हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बोल्ड। मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। सॉरी, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कल की एक्सपायरी के लिए। कल की एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मार्केट में हमें एक मेजर मूव की मार्केट एक मेजर मूव की तरफ हमें दिख रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में एक और चीज बताऊंगा, कल की वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 18,350 का रेजिस्टेंस लेगी और वहां से मार्केट ने आज बहुत बड़ा फॉल दिया है। तो आज की हम मार्केट के प्राइस एक्शन को भी देखेंगे कि ऑप्शन बायर जो होता है या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए प्राइस एक्शन जानना क्यों जरूरी होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लेके चलता हूँ जहाँ पे हम मॉर्निंग में पेड सिग्नल्स देते हैं। तो देखते हैं आज हमारी कॉल ने क्या रिजल्ट दिया और कितना पॉइंट का प्रॉफिट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है एफिनिटी बुल प्रीमियम के नाम से। आज 9th ऑफ नवंबर है और मॉर्निंग में 9:16 आप देख सकते हैं 9:16 पे ही 18,300 का पुट बताया गया था जिसकी बाइंग थी 84 की। आप ये देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था लेकिन हमारा जो डेटा है, हमारी रिसर्च ये कह रही थी कि आज पुट के साइड मूवमेंट आने वाला है। तो हमने बाइंग बोली थी 18,300 की 84 की, जिसके टारगेट थे 96, 109 और 125 रुपये। और आज इसने 180 का हाई लगाया है। तो आप देख सकते हैं कॉल्स की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। आज इसने हमारे तीनों टारगेट अचीव किए हैं। तो इस तरह का कॉल प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप स्टॉक्स में भी डील करते हैं तो मैं आपको स्टॉक्स का भी बता देता हूँ। एक स्टॉक की कॉल दी गई थी इंडियन होटल की, जिसकी सेल क्वांटिटी थी 200 और जिसके सेल बिलो 342 का और जिसका एसएल था 345। इसने भी अपना टारगेट अचीव किया है 338 का। तो इस तरह का क्वालिटी कॉल्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप भी निफ्टी में काम कर डेली 5 से 10 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप के साथ डेफिनेटली जुड़िए। तो अब बिना किसी देरी के मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। ये कल के लेवल्स लगे हुए हैं। मैं अभी आपको 5 मिनट्स के पे जो 5 मिनट का जो चार्ट होता है एज अ इंट्राडे ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले इसी के हम प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। तो इन लेवल्स को जानना क्यों जरूरी है सारी चीज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और हमेशा अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं ट्रेडिंग को अपना एक्टिव इनकम बनाना और डेली आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो प्री मार्केट को ऑब्जर्व किया करिए। तो अगर आप निफ्टी की प्री मार्केट देखते तो निफ्टी की प्री मार्केट कहीं ना कहीं 18,370 के आसपास ओपन हुई थी, जो बाद में आते आते सेटल हुई थी 18,300 के लेवल पे। यानी प्री मार्केट में ही मार्केट को इस लेवल का रेजिस्टेंस मिल चुका था। उसके बाद हुआ क्या है, देखिए 5 मिनट की ये बहुत ही बेरिश कैंडल प्रिंट हुई है, देख सकते हैं आप 5 मिनट की बेरिश कैंडल है। तो क्या बताती है आपको, ये बताने की कोशिश कर रही है कि आज मार्केट का सेंटिमेंट वीक है। बेशक मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। अब आपको भी पता है गैप थ्योरी, आप सबको पता है कि 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, गैप फिल होता है। आप ये देखिए, मार्केट ने ये वाला प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, प्रीवियस डे का क्लोजिंग था ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, ऑब्वियस ही बात है सपोर्ट की तरह काम करता ये मार्केट में। आप सबको पता है, अगर जो भी गैप थ्योरी जानता है उसको ये पता है कि प्रीवियस डे का जो गैप, जहां से गैप हुआ है वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। मार्केट ने देखिए यहां से सपोर्ट लिया है और ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कल का हाई था, जो कल की मार्केट का हाई था वहां पे मार्केट ने जाके उस लेवल को रीटेस्ट किया है। अगर मार्केट में बुलिशनेस आई होती तो इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर जाता, लेकिन हुआ क्या है, उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है जो यस्टरडे का हाई था, जो कि एक इंडिसिसिव कैंडल बनी थी 5 मिनट पे। उसके बाद देखिए जब मार्केट में फिर फॉल आना जो स्टार्ट हुआ है और मार्केट ने इस सपोर्ट पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद मार्केट नीचे आया। उसके बाद अगेन क्या हुआ है, इस रेंज में काफी देर तक मार्केट रहा है। जब काफी देर तक रेंज में मार्केट रहे उसके बाद हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी चाहिए। उसके बाद होता क्या है, बेसिकली एक बड़ा मूव आ सकता है। अब ये देखिए मार्केट नीचे गया, एक ये हाई लगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये एज अ इंट्राडे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप ये देखिए, अगर मार्केट की क्लोजिंग 5 मिनट की इसके ऊपर हो तभी आपको कॉल साइड का
कॉल साइड कंसीडर करनी चाहिए। उसके बाद हुआ क्या है, मार्केट है अगेन इसको रिस्पेक्ट करते हुए यहां पे एक, जिसे कहते हैं ना, एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगेन मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल के साथ एक नीचे क्लोजिंग दी है, उसके बाद आप डाउनफॉल देख सकते हैं। तो मार्केट में जो प्राइस एक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीखने की कोशिश करिए, पेशेंटली काम करिए। आपको वेट करना पड़ेगा लेवल्स के लिए। अगर आप कोई भी सेक्टर में, चाहे आप स्टॉक्स में करते हो, फोरेक्स में करते हो, कमोडिटी में करते हो, या इंडेक्स ऑप्शन करते हो, तो मार्केट को जीतने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है आपका इंतजार, यानी पेशेंस होना पड़ेगा आपको। आपको उस लेवल, मार्केट जो जैसा बताएगी आपको वैसे करना है। मार्केट अभी यहाँ क्या बता रही थी, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, नेक्स्ट कैंडल ने उसको ब्रेक कराए नीचे की ओर। ठीक है, जब नीचे की ओर किया, आप देखिए नीचे कितना ज्यादा डाउनफॉल आया है इस लेवल से, 18,200 के लेवल से मार्केट 80 पॉइंट टूटा है। आप ये देखिए, आपको भी पता है, अगर यहाँ पे एट द मनी का कोई भी सौदा होगा, ये मार्केट 80 पॉइंट गिरी है, तो एटलीस्ट आपका पुट, चाहे कॉल, यहाँ पे तो पुट भागा होगा, कम से कम पुट 40 से 45 पॉइंट भागा होगा, वो भी 5 10 से 20 मिनट के अंदर। तो आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट में। अगर आप प्राइस एक्शन को इग्नोर करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो प्राइस एक्शन को जानना बहुत जरूरी है। कैंडल्स अपने आप में बातें करती हैं, कैंडल्स को समझना स्टार्ट करिए कि कैंडल्स का क्या सेंटिमेंट है, और मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ करना सीखिए। ठीक है, तो अभी ये लेवल हम हटा देते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे कल की मार्केट के लिए। ठीक है, तो एक चीज तो तय हो गई कि मार्केट के लिए अब जो 18,250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, और 18,350 का जो लेवल है वो तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही। ठीक है, अब कल के लिए एक और लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मार्केट ने आज काफी देर तक टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, ये वाला लेवल जहां से मार्केट में एक हमें डाउनफॉल, सडन डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, वो लेवल दोबारा रीटेस्ट होने ऊपर गया, इसको हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं गाइस। ये लेवल हम यहां लगा लेते हैं, तकरीबन 18,200 और 18,000, मतलब 10 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, 18,000 आप 190 से 18,200 की रेंज आप ये पकड़ के रखिएगा, तो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है 18,200 की मार्केट के लिए। अब कल की एक्सपायरी के लिए 18,200 का जो लेवल है ये बहुत तगड़ा है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया अब आपके लिए। और अब सपोर्ट कैसे काम करेगा, अब सपोर्ट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके लिए आज की मार्केट का जो लो है, ये एज अ सपोर्ट काम करेगा आपके लिए। ठीक है, अब इसको एक एक घंटे के चार्ट पे भी हम देख लेते हैं क्या बना हुआ है। ये देखिए, तो मार्केट के लिए अभी आपके पास जो रेजिस्टेंस मिल रही है, पहली रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो है आपकी 18,190 से 18,200, यानी 10 पॉइंट की रेंज है। 18,190 से लेकर 18,200 की ये रेंज है निफ्टी के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 18,121 के आसपास की मार्केट की क्लोजिंग है। तो अब ये लेवल क्या है, जो मार्केट का लो है, ये परफेक्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब क्या है, अगर मार्केट कल की लिए इस लेवल को तोड़ती है, 18,000 का ये जो लेवल है 20 पॉइंट का, 18,120 का ये ब्रेक होता है, तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के पास दिखेगी, 18,066 के लेवल पे। ठीक है, 18,066 के लेवल पे अगर ये लेवल भी टूटेगा तो आप सपोर्ट इसको कंसीडर करेंगे, ये वाला लेवल। ठीक है, 18,019 का, ठीक है, आप इसको 18,000 का लेवल मान के चलिए, बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000, जो कि इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो आपके पास तीन सपोर्ट हैं कल की मार्केट के लिए, कल एक्सपायरी को ट्रेड करने के लिए आपके पास तीन लेवल, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। पहला है 18,120, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 18,070 के आसपास या 60 के आसपास आ सकती है, जहां पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप मार्केट को कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल पे देखेंगे, और ये बहुत तगड़ा सपोर्ट होगा, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट होगा।
इसके नीचे मार्केट के जाने की उम्मीद काफी कम है। तो एक्सपायरी की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपायरी 18,050 के ऊपर बंद होने की उम्मीद है। जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि 18,050 के ऊपर मार्केट के बंद होने की उम्मीद है। तो आप मेजर रेजिस्टेंस कल की मार्केट के लिए 18,250 और मेजर सपोर्ट 18,000। ये 250 पॉइंट की मूवमेंट है, चाहे कल मार्केट गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, आपको ये लेवल इग्नोर नहीं करने हैं, 18,250 का और 18,000 का। ये 250 पॉइंट की मूवमेंट है, ठीक है। अगर आप सेलर हैं तो आप इन दो लेवल्स को लेकर कुछ भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, स्ट्रैंगल बना शॉर्ट स्ट्रैंगल बना सकते हैं या बटरफ्लाई बना सकते हैं, जो आपको जिस भी लाइक आपको जो भी रेंज बाउंड मोमेंट चाहिए अगर 18,250 और 18,000 के बीच में, तो आप इस सॉरी तो सॉरी तो आप इन दो लेवल्स के बीच में एक रेंज की मोमेंट कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली निफ्टी की एनालिसिस हमारी ये कहती है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में ने बेसिकली आज किया क्या है, बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी आज एक कंप्लीट रेंज में चला है, ठीक है। एक रेंज मार्केट ने दिखाई है, ठीक है। अब इसके लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा और ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसको हम रेड से डिनोट करेंगे क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस है जो आज मार्केट का हाई है वो तकरीबन 41,935 का, जो मार्केट का हाई है, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस है और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है, इस रेजिस्टेंस के नीचे उसने क्लोजिंग दी है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। जो जो आपका लेवल था 41,780 के आसपास का, 41,770 780 के आसपास का, मार्केट ने इसके नीचे गैप नीचे क्लोजिंग दी है। तो अब ये देख सकते हैं, हम एक माइनर सपोर्ट लेके जो आज मार्केट का लो था इसको हम एज अ सपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी तो आप ये मान के चलिएगा बैंक निफ्टी में एक 400 450 के पॉइंट का मूव कल देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी 41,300 के लेवल पे आ सकता है। 41,300 का लेवल, ठीक है, 41,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल की मार्केट के लिए। 41,300 का अगर सॉरी अगर मार्केट 41,670 के लेवल को तोड़ती है, तोड़ के नीचे आती है, तो आप पुट साइड ही ट्रेड कंसीडर करिएगा और 41,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 41,300 का लेवल जहां पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो अभी मेजर रेजिस्टेंस आपके पास हो गई है वो है 41,935 की, और उसके बाद जो एक माइनर सपोर्ट है जो आज की मार्केट का लो है वो है आपका 41,670 के आसपास का। ये अगर आज की मार्केट का लो कल ब्रेक होता है, अगर गैप डाउन होता है, तो ये लेवल टेस्ट होगा, फिर मार्केट फर्दर डाउन आएगा, वो होगा 41,300 के लेवल का। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं कल के लिए, जो कल एक्सपायरी होने वाली है, जो कल की वीकली एक्सपायरी है 10 नवंबर को। तो कल बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, आई होप कल भी आपको प्रॉफिट हो। और अगर आप डेली, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप डेली निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक से या स्टॉक इंट्राडे ट्रेड से या स्टॉक ऑप्शन से डेली पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए। आई होप आपको एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ ये पसंद आया होगा और आप डेली मेरे लेवल्स को जरूर लगाते होंगे और कहीं ना कहीं इन लेवल्स का आप यूज़ भी करते होंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।